नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एहसास हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बेसन की रसाज बनाते हैं। तो इस रसाज की रेसिपी बताने से पहले हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, अब हम आते हैं, बेसन की रेसिपी बता रहे थे कि रसाज कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, रसाज दो तरह से बनाया जाता है। या तो आप बेसन को कढ़ाई में भून लीजिए हल्का सा, चाहे ऑयल डालिए या फ्री ऑयल, बिना ऑयल के भी भून सकते हैं। उसमें नमक और पिसी लाल मिर्च डाल लीजिए। और दूसरा तरीका होता है ये पैटर बनाकर। तो आज हम पैटर वाला तरीका बनाते हैं। इसमें बेसन लिया है हमने और नमक स्वादानुसार, पिसी मिर्ची स्वादानुसार, हल्दी जरा सी और हल्का सा सोडा नामात्र का, ये डाल के हमने इसे तैयार कर लिया है। पैटर ना बहुत पतला हो ना मोटा। और इसके बाद हम कटोरे या किसी भी कढ़ाई में पानी रख देते हैं, उसके ऊपर स्टील की चलनी रख देते हैं। इसके बाद ये पैटर कर देते हैं और इसे अच्छे से बराबर से ढक देते हैं। इसको हम बीच में चेक करेंगे ये पक गया कि नहीं। तो इसके लिए हम चम्मच को उल्टा करके इसे देख लेते हैं। ये देखिए, चिपक नहीं रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये पक चुका है। लेकिन हल्का सा अगर ये चिपक रहा है तो इसका मतलब थोड़ी सी कसर है। इसे हम और पका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हमने रसाज के लिए पैटर बना के रखा था वो पक गया। फिर हमने उसे ठंडा होने दिया और इसे चौकोर शेप में काट लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इन पीसेस को तल लेंगे। ये देखिए, तेल गरम हो चुका है। पहले हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हल्का गुलाबी हो जाए इसे दोनों तरफ से पका लेंगे। क्योंकि ये पका हुआ है, बस इसे हल्का सा ब्रेड करना है। अगर किसी को थोड़ा सा रेड, मतलब रेड नहीं पसंद है, तो ये वाइट में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पका हुआ है। इसके लिए टेंशन नहीं है कि हमें इसे पकाना है। ये देखिए इस तरह से भी। ये देखिए दोस्तों, इस पीसेस को हमने तल लिया था। हमने आपसे पहले भी कहा था कि इसको हमने पहले ही पका लिया है। तो अगर हम चाहें तो इसे हल्का गुलाबी या लाल करें, या अगर हम चाहें हम इस हल्का सेवर ही पसंद है तो हल्के पे ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से पक चुका है। तो इसके लिए अब हम तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने प्याज, करी पत्ता, सरसों, इसका तड़का तैयार करके रखा है। इसके साथ ही हमने मसाला भी तैयार किया है, जिसमें हमने प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट मिलाया है। इसमें मसाले डाले हमने, हल्दी, पिसी हुई मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, नमक स्वादानुसार। तो चलिए इसे बनाते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। ये देखिए, इसमें से धुएं निकल रहे हैं। हम इसमें प्याज डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे प्याज, करी पत्ता और सरसों का तड़का डाल दिया है। अब इसे पकने देते हैं। प्याज जब हल्की सी पकने लगे तो ही ऑप्शनल है, बहुत से लोगों को पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद है, तो आप हींग अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए, प्याज लाल हो चुकी है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं और इसे धीमी आंच पे पकने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मसाला तैयार हो चुका है, इसमें तेल निकलने लगा है। तो हम इसमें ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए रसा लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी का रसा पक चुका था, तो हम इसमें ये पीसेस डाल दिए हैं रसाज वाले। अब ये पीसेस 5 मिनट तक पक जाए तो हम इसे सर्विंग बाउल में कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, रसाज बनकर तैयार हो चुकी है। इस सब्जी को हम चावल या रोटी के साथ बड़े आराम से खा सकते हैं। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे बहुत सी सब्जियां रहती हैं लेकिन कुछ अलग सा खाने का मन करता है, या घर पे सब्जियां नहीं होती तब भी ये सोचना होता है कि क्या बनाएं। तो आप बहुत ही आसानी से घर पे इस रसाज को बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं।
सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।